नमस्ते तो कोई प्रश्न है तो उससे शुरू करते क्या जानना चाहेंगे क्या तो कैसे ध्यान लगाना है माता जी का उसका जो सबसे सरल उत्तर है वो है कि उनसे प्यार करना शुरू कर दो तो जिसका हम जिसको हम प्यार करते हैं ना ध्यान अपने आप वहां रहता है तो प्यार करने के लिए आपको जिनको भी आप किसी किसी बड़े लकी होते हैं बड़े भाग्यशाली होते हैं कि उनको बस कुछ बात हुई और उनको प्यार हो जाता है और दूसरे इस प्रकार के लोग होते हैं जो जिनको पहले जानना पड़ता है व्यक्ति के बारे में वो जानते हैं तो माता जी की जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं उनके चित्र को देखते हैं यहाँ आते हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम उनके बारे में जानने लगते हैं थोड़ा थोड़ा तो अंत में प्यार हो जाता है क्योंकि प्यार करने योग्य हैं वही जब आप जानेंगे उनके जीवन को पढ़ेंगे माँ के जीवन को श्री अरविंद के जीवन को जब आप देखें कि उन्होंने इतनी त्याग तपस्या बलिदान किया हम लोगों के लिए समाधि पे आपने देखी ना वो प्रार्थना लिखी है तो कौन ऐसा मूर्ख होगा जो प्यार नहीं करेगा क्योंकि जब आप देखें कि उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष श्री अरविंद और उसके पहले से योग यात्रा शुरू की थी और माता जी जब यहाँ आई फ्रांस से उसके बाद गई नहीं और परमानेंटली 1920 में जब आई तो आप सोचिए कि 50 वर्ष के ऊपर उन्होंने किस लिए साधना कर रही थी वो हम सब के लिए उनकी अपनी साधना तो कम्प्लीट हो गई थी उनको जरूरत नहीं थी लेकिन हम सब के लिए तो अगर उनसे भी व्यक्ति प्यार नहीं कर सकता तो फिर किसे प्यार कर सकता है <laughs> तो बस उनसे प्यार करिए तो प्यार जब करेंगे तो अपने आप आपका ध्यान जाएगा बार बार उनके बारे में सुनने का जानने का मन करेगा तो उनके बारे में सुनना श्रवण उनके बारे में पढ़ना और उस पर रिफ्लेक्ट करना मनन और तीसरा होता है दर्शन यानी उनके चित्र को देखना ऐसे स्थानों को आना जहाँ पे उनका स्पंदन है जहाँ उनकी लीला हुई है तो श्रवण दर्शन मनन दर्शन ये तीनों के द्वारा हमारे मन में प्रेम का भाव उत्पन्न होता है फिर इसमें नेक्स्ट लेवल होती है जब हम उनकी सेवा करने प्रारंभ करते हैं सेवक बनना चाहते हैं भगवान का तो अगर भगवान हम अप्लाई करते रहें एक दिन भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं देखते हैं ठोक बजा के तैयार है कि नहीं क्योंकि भगवान की सेवा देखिए ना अर्जुन ने की थी क्या महासंग्राम <laughs> संग्राम के द्वार से तो भगवान की सेवा लेकिन कोई ज़रूरी नहीं हर व्यक्ति महासंग्राम से जाए श्री अरविंद की एक बहुत सुंदर एक लेखनी है डाइनिंग रूम में आपने शायद पढ़ी हो अब पता नहीं है कि नहीं पहले होती थी कि दो प्रकार के जो मनुष्य हैं वो भगवान को अति प्रिय हैं अपने सेवकों में एक वो जो रोज उनके मंदिर का द्वार साफ़ करते हैं और हृदय के अंदर एक उत्कृष्ट भाव पूजा का भाव साइलेंट एडोरेशन माने पूजा का भाव ये नहीं होता है कि हमने बाहर अगरबत्ती जला के ढोल पीट दिया एक अपने हृदय के अंदर साइलेंट एडोरेशन पूजा का भाव जब आप कर रहे हैं उसको जैसे शबरी की कहानी है तो एक उस भाव से जो भगवान के ग्रह को भगवान के स्थल को अब मंदिर कोई हाँ हर स्थान मंदिर हो सकता है क्योंकि उपस्थिति तो भगवान की सब जगह है तो आपके घर में भी जब आप इस भाव से कि मेरा नहीं भगवान का घर है इस भाव से जब आप कुछ करते हैं तो ये भगवान को बड़ा प्रिय होता है और दूसरा दूसरा क्या प्रिय होता है उनको जब हम उनके भगवान के संकल्प उनके कर्म उनके वो जो संसार में प्रकट करना चाहते हैं उसकी पूर्ति के लिए संसार में हम युद्ध करते हैं दो लेवल हैं एक जब हम भगवान को अपने हृदय में प्रेम करते हैं और उनकी सेवा चाहे वो मंदिर हो अपना घर को मंदिर मान करके बना करके सब लोग तो आश्रम नहीं आ सकते फॉर्चुनेट नहीं होते हैं ऐसे लेकिन आप जहाँ भी हैं शबरी की तरह दूसरा लक्ष्मण और अर्जुन की तरह हनुमान की तरह कि उनका सारे संसार में संकल्प सिद्ध हो उसके लिए वो संसार में कार्य करते हैं तो आप लोग तो बड़े फॉर्चुनेट हैं कि आपके पास दोनों विकल्प हैं है ना आपके यहाँ तो एक है एक जगह जहाँ पे है ना गुरुजी की आपकी जगह तो वो एक पूजा स्थल ही है अब है ना तो दूसरे दूसरा आप लोग एक समूह हैं तो आप लोग आपस में भी जब प्रयास करेंगे इस कार्य को करने का कि हम लोग मिल कर के कैसे एकजुट हो के माने का है कि अगर बारह लोग एक साथ मिल करके आ, भगवान को इन्वोक करें तो भगवान प्रकट हो जाते हैं तो अगर आप लोग एक पाठ चक्र के रूप में मिलते हैं हफ्ते में एक दिन या कुछ मिलते ना है, कोई है। हाँ अब आप लोग मिलना शुरू कर दीजिए हफ्ते में एक दिन कोई पुस्तक उठा लीजिए माता जी की और उसको आप पढ़िए मिल करके पढ़िए फिर या कभी कभी कोई ऐसे बच्चों के लिए कोई कार्यक्रम आप कर सकते हैं जैसे स्कूल में भी माता जी ने पुष्पों के बारे में क्या लिखा है तो जब इस तरह से करेंगे तो आप भगवान का संसार में जो कार्य होना है उसके लिए भी आप एक प्रकार से अपने आप को उत्सर्ग कर रहे हैं तो जब जैसे जैसे ये करते जाएंगे तो भगवान का ध्यान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि भगवान आपके खून के अंदर दौड़ने लगेंगे ठीक <laughs> है वो आपका जीवन बन जाएंगे आपकी श्वास बन जाएंगे तो वो अवस्था को जाना है एक अलग से बैठ कर के ध्यान पूर्वक वो करते हैं कुछ लोग और जिनकी ऐसी इंक्लिनेशन होती है लेकिन वो जो ध्यान होता है केवल एक मानसिक प्रक्रिया होती है तो वो कभी कभी बीच में एक समय होना चाहिए जब हम केवल आ, कुछ पढ़ें मनन करें अपने मन को एक किसी भाव में स्थिर करें या किसी विचार में स्थिर करें वो भी एक प्रयास करना चाहिए या कुछ देर अपने को अलग करके देखें कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है जो कुछ हो रहा है संसार में वो क्या है हमारे जीवन में जो हो रहा है क्या है किस दिशा में हम जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं ये प्रश्न करना और भगवान है सब कहते हैं कि सोल है साइकिक बीइंग है गुरु जी ने आपके बताया होगा तो उसको खोजें हम कैसे खोजें मान लेने से तो नहीं है ना मान लेना तो पहला स्टेप है तो एक वो भी साथ में अगर इसके मिला देंगे जो ध्यान का एक प्रोसेस ये भी है जो अलग से आप ध्यान करते हैं एक ध्यान है जो जीवन में कर्म में कर रहे हैं जिसकी बात मैंने की लेकिन साथ में अलग कुछ देर दस पंद्रह मिनट बैठ के एक स्वच्छ स्थान पे क्यों क्योंकि आप वहाँ पे भगवान को इन्वोक कर रहे हैं ये आवश्यक है कि जब भगवान को हम बुला रहे हैं तो हम एक निष्ठ हो के वो समय भगवान को देवें स्थान अच्छा हो बहुत ही नहीं कि बड़ा राजसी ठाट बाट का स्थान हो कि नींद ही आ जाए ना एकदम कठोर भूमि हो तो ऐसे स्थान पे जब बैठ के हम हृदय के अंदर क्योंकि भगवान कहाँ है सबसे नज़दीक हृदय के अंदर है तो हृदय के अंदर जब आप ध्यान करते हैं किसी भाव को पकड़ करके ध्यान कर सकते हैं कि भगवान मेरे अंदर हैं एक भाव है बड़ा सुंदर भाव है भगवान सबके अंदर है ये भी एक भाव है बड़ा सुंदर भाव है सब कुछ भगवान के अंदर है तो किसी एक भाव या एक विचार को पकड़ करके आप उसमें डूबते जाइए अब मन भागेगा आप प्रारंभ करोगे ऐसे कि भगवान मेरे अंदर है अचानक वो कहीं और चला जाएगा तो जब जाएगा तो उसको वापस बार बार लाना है ट्रेनिंग करनी पड़ेगी क्योंकि हम नॉर्मल नौ, कोर्स में आम तौर पर हमारी सारा ध्यान बाहर भटका होता है ना एक कंटिन्यूस व्हाट्सएप जो चल रहा है उसमें हमारा ध्यान भटका होता है तो जब हम इस तरह से ध्यान करना प्रारंभ करते हैं बार बार उसको पकड़ के लाते हैं तो माइंड ट्रेन हो जाता है कि ये चीज़ है तो ये प्रयास करते करते अभ्यास से बढ़ जाता है और इसमें और भी अधिक उसको सरल बनाने के लिए आपको किसी आ, ये भी एक ध्यान का एक प्रोसेस है हाँ कि जब बच्चे इससे कर रहे हैं तो जो जिसको उनको सिखाना है सिखाएं लेकिन हमारा ध्यान एकदम अटूट बना रहे युद्ध स्थ युद्धस्थली में भी ठीक है तो इस प्रकार से जब हम करते जाते हैं तो इसको आसान बनाने के लिए कुछ और उपाय हैं और उसमें एक है जप और एक किसी विग्रह का अंदर में ध्यान करना तो हम लोग के लिए माता जी का जो फोटोग्राफ uh, है पिक्चर है चित्र है उसको हम हृदय के अंदर उनके ल्यूमिनस फॉर्म को कि एक पूरा वो प्रकाशवान माँ हमारे अंदर हैं शे अरविंद हमारे अंदर हैं और दूसरा माँ के नाम का जप या किसी भी मंत्र का जप ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते शे अरविंदा या केवल माँ माँ मा माँ मा, मा। तो इस जप के द्वारा धीरे धीरे हमको अंदर जाने में सहायता मिलती है फिर एक समय आता है जब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि रास्ता खुल जाता है घुलते मिलते अंतर समाप्त हो जाता है तो ये ध्यान की प्रक्रिया है और कोई सपने बहुत आते हैं <laughs> सपने आपको याद रहते हैं बहुत अच्छी बात है सपने सबको आते हैं लेकिन ज्यादातर लोग उसको याद नहीं रख पाते यदि आपको सपने याद रहते हैं इसका मतलब है कि आप एक, एक अंदर की चेतना में जागृत हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है तो स्वप्न लोग की अपनी एक भाषा होती है और उस भाषा को समझना वो एक अपने आप में एक विद्या है तो स्वप्न के द्वारा हमको संकेत मिलता है कि भविष्य में क्या होने वाला है स्वप्न के द्वारा कभी कभी हमको हमारे अंदर क्या चल रहा है उसका संकेत मिलता है कभी कभी हमारा केवल पेट बहुत बड़ा भारी होता है तो भी सपने आ जाते हैं तो वो एक जगत है जिसकी अपनी भाषा है जैसे भौतिक जगत की भाषा होती है ना आप देखते हैं ऐसा ऐसी जगह तो आप कहते हो ये मकान है समुद्र का विस्तार देखा आपने कहा यह समुद्र है तो स्वप्न में अगर आप समुद्र देखते हो तो उसका मतलब है विस्तार ठीक है क्योंकि वो उसके स्वप्न जगत में हम चीजों के मूल की तरफ जाने लगते हैं तो जो विस्तार है भगवान के अनंत गुण है उसमें एक गुण है विस्तार तो उस विस्तार को धरती पर प्रकट करने के कई माध्यम हैं। एक है नक्षत्र तारे मंडल वो विस्तार है एक है समुद्र विस्तार है एक है कई सारी पर्वत श्रृंखलाए विस्तार है लेकिन वो विस्तार के साथ ऊंचाई भी है तो भगवान के अंदर जो अनंत गुण हैं, उनको अभिव्यक्त करने के लिए स्वप्न जगत से होते हुए वापस धरती के स्तर पे जो विराट पुरुष हैं या जो मे मेटीरियल विश्वकर्मा है, तो वो इस प्रकार से धरती पर उन चीज़ों को प्रकट करते हैं तो अगर आप स्वप्न में समुद्र देख रहे हैं तो केवल समुद्र नहीं है अब वो विस्तार का एक सूक्ष्म रूप है यहाँ समुद्र विस्तार का स्थूल रूप है और विस्तार का एक सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम रूप है जिसको हम लोग क्षीर सागर कहते हैं जैसे पर्वत का एक सूक्ष्मतम रूप है जिसको हम कैलाश पर्वत कहते हैं और इससे भी परे ये नाम रूप के परे केवल एक अनंत विस्तार है वो ईश्वर के अंदर है तो इस तरह से स्वप्न की भाषा को आ, अभ्यास के साथ थोड़ा बहुत ज्ञान के साथ समझ आने लगता है, तो में जाती है।, में जाती है। बहुत लगता। डर नहीं मुर्दे से क्यों डर लगता है आज जिंदा से डर लगना चाहिए मुर्दे से कभी मत डरिए मुर्दा कुछ नहीं कर सकता बेचारा इवन भूत प्रेत कुछ नहीं कर सकते डरना अगर डरना किसी से नहीं चाहिए लेकिन अगर कोई सबसे भयानक जीव सारी सृष्टि में है तो मनुष्य है और जितना ज़्यादा बुद्धि वाला है ना पढ़ाई लिखाई करके वो ज़्यादा भयानक है अब मुर्दे से क्या डरना वो तो बेचारे चला गया हाँ हाँ वो क्योंकि सब लोग ऐसा कहते हैं मुर्दा मुर्दा भूत भूत हाँ इसलिए लोगों को डर लगता है वो बेचारे भूत तो खुद ही इतने निरीह वो तो बेचारे खुद रस्ता भटके हुए हैं हाँ डरना किसी से नहीं अगर योग करना है तो डरना किसी भी चीज़ से नहीं मेरे को भी जाती। और क्या चाहिए अगर मुर्दा भूत के द्वारा अंतिम मिलती माँ के पास चले गए तो और क्या चाहिए डरना कभी नहीं उसका एक कारण है आ, आ, नहीं डरना कभी नहीं क्योंकि सब चीज के पीछे मूल में माँ खड़ी है कितना भी भयानक दृश्य होना तो प्रयास करना कि उसके पीछे जो माता जी को देखने की चेष्टा करना ठीक है नहीं दिखाई दे रही हैं देखने की चेष्टा करना डर के भागना नहीं कहना ना कहाँ छिपी हो माँ कहाँ छिपी हो इतना भयानक दृश्य लग रहा है कहाँ छिपी हो अंधकार है कहाँ छिपी हो माँ तो धीरे धीरे अभ्यास सब चीज़ें अभ्यास करने से आती हैं तो एक दिन आपको माँ दिखाई देंगी महाअंधकार के अंदर भी और भूत प्रेत तो वैसे कुछ नहीं होते उनका क्या और मुर्दा तो बेचारा खुद ही कह रहा है कि मुझे चार कंधा दे दो मैं मुझे जाने दो वो तो विदाई की तैयारी कर रहा है उससे क्या डरना है ना हम्म चला जाएगा हाँ हाँ वही अभ्यास 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 जितना अभ्यास, अभ्यास करेंगे उतना अधिक पहले ऐसे कीजिए आप ध्यान के जो विचार भटकते हैं तो उसके लिए आप एक पुस्तक माँ की और नहीं लिखना नहीं पढ़ना तो आता है ना तो सीखिए <laughs> नहीं ये क्या बात हुई कितनी उम्र है आपकी अभी उम्र कितनी है आपकी उम्र 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 बताइए आप बस चालीस में आप बोल रहे मैं सीख नहीं सकती सिखाएगा क्यों नहीं ये सब बैठे हैं क्यों ये सब पढ़े हाँ अनपढ़ अनपढ़ नहीं हो आप ऐसे मत बोलो पढ़ा तो ये पहला काम माता जी का अब जाके आप लोग आपस में एक एजुकेशन शुरू करो ताकि आप माता जी की किताब पढ़ सको आपके पढ़ने का लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम माँ की किताब पढ़ना चाहते हैं और हमको पढ़ना है ठीक है तो हिंदी नहीं पढ़ पाते हो मराठी पढ़ पाते हो नहीं आता है, कोई -कोई नहीं नहीं है, और ये बच्चे लोग तुम लोग पढ़े हो ना तो वो नहीं पढ़े तो आपकी ज़िम्मेदारी है ना सिखाने की yes, हाँ ऐसे थोड़ी है कि भाई पड़, हाँ आप पढ़े लिखे हैं मनोज मनोजी पढ़े हैं ज़रूर तो ये तो मैं तो अभी मनो हाँ आप लोग बैठ करके अब एक शुरू करो एजुकेशन का प्रोग्राम जिसमें आप लोग केवल माताजी की पुस्तक माता उसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना पहले सुनो फिर आप हाथ में कॉपी रखो और वो अब वो पढ़ेंगे जैसे एक एक छोटे से पैसेज से शुरू करो तो वो जो पढ़ रहे हैं वही पुस्तक आपके हाथ में होनी चाहिए।, लगा ऐसा ऐसा करते। नहीं चाहिए हाँ हाँ वो तो, वो तो अच्छी बात है वो तो अच्छी बात है लेकिन हाँ बहुत अच्छी बात है वाइब्रेट करता है वहाँ के हाँ आज्ञा चक्र खुल रहा है लेकिन पढ़ोगे नहीं तो माइंड का जो विस्तार है ना उसमें मसल्स माइंड की डेवलप नहीं होगी ना तो एक सीमा के पार जाना मुश्किल होगा तो ये आप प्रारंभ कर दो ठीक है अगले बार आ नहीं नहीं अगले बार आएंगे आप पढ़ेंगे किताब हाँ तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि माइंड को ट्रेन नहीं किया ना माइंड की ट्रेनिंग पुस्तकों के द्वारा हमारे माइंड की ट्रेनिंग होती है एक विचार को फॉलो करने की तो जब हम नहीं पढ़ते हैं तो हमारे माइंड की ट्रेनिंग नहीं हुई है इसलिए आप क्या पूछ पूछ, ना, ना, पूछ वी था। तो उतर, भी आ रहे थे प्रश्न हाँ उसका उत्तर हाँ उत्तर हो गया तो तो दो 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 दो। आप आप बताओ क्या था नहीं कहाँ पे कोरोना के कारण था तो था। नहीं तो उन्होंने दफना दिया किसने दफना दिया अच्छा तो कोई बात नहीं है उसमें तो. वो दफनाने और जो जलाने का जो अंतर होता है वो उसका मूल में चाहो उसके क्यों दफनाते हैं और क्यों जलाते तो जलाया एक बार तो ये समझ लो कि जो चला गया वो चला गया अब जो भी हो रहा है शरीर के साथ हो रहा है कुछ समय तक वो शरीर से जुड़ा रहता है आमतौर पर अधिक से अधिक 24 घंटे और कई लोग उससे भी बहुत कम उसके बाद आप शरीर को अब पारसी लोग तो लेके फेंक देते हैं चील कौवे खाने के लिए तो अब हाँ अब क्या होगा शरीर के साथ क्या करना चाहिए अब उस उनके साथ नहीं कर रहे हैं शरीर के साथ क्या करना चाहिए वहाँ पे जो हिंदू समाज है उसमें ये कहते हैं कि जलाना चाहिए क्यों जलाना चाहिए क्योंकि अगर ऐसे ही हम रखते हैं शरीर को धीरे धीरे वो डिग्रेड होता है डिजेनरेट होता है मतलब उसमें एक प्रक्रिया है ना जिससे वो गलेगा तो जब गलता है तो उसके अंदर जो भी प्राण के तत्व चिपके हुए हैं छोटे छोटे वो निकलते हैं और उस एक अलग प्रकार का एक प्रदूषण करते हैं तो उनको नष्ट करने के लिए जलाया जाता है जलाया जाता उस व्यक्ति के लिए नहीं जो चला गया है लेकिन उस व्यक्ति के देह के अंदर कई सारी प्राण के तत्व चिपके हुए हैं कोई कामना कहीं पर एक कुछ सेल्स के अंदर है कोशिका के अंदर कोई वासना कहीं पर छिपी हुई है वो निकलती है तो वही होते हैं जिनको भूतादि कहा जाता है तो उनको नष्ट करने के लिए अग्नि बड़ा सरल माध्यम है उस व्यक्ति के लिए नहीं किंतु उस वातावरण के लिए आपने देखा होगा शमशान का वातावरण अलग होता है और जो जो ग्रेवयार्ड है जहाँ दफनाते हैं उसका वातावरण अलग होता है है ना तो वो जलाते इसलिए हैं और दूसरे लोग जो इस चीज़ को नहीं जानते मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और और भी जगह जो इस बात को नहीं समझते हैं इतने सेंसिटिव नहीं हैं वो दफना देते हैं अंत में वो भी समाप्त हो जाएगा क्योंकि ये जो निकलती है ना छोटी मोटी आ, उनके अंदर से जो प्राण तत्व की चीज़ें वो घुल जाती हैं बहुत दिन नहीं रहती हैं तो उसकी चिंता मत करो मेन चीज़ है कि अब उनको अच्छे से आपको टाटा बाय बाय कहना ठीक है हाँ मैं समझ रहा हूँ उसका उस हाँ हाँ कोई बात आप देखो पर मेन चीज़ है कि उनके जाने के बाद आपने प्रार्थना करना उनको कुछ नहीं लगेगा कुछ कहीं नहीं लगेगा हाँ बहुत हाँ बहुत डराते हैं डरना हाँ अच्छा है भूत आपसे डरता होगा ऐसे बोल भूत से क्या गया था, निया ता निया ता भगवान, मिल गया भगवान नहीं गई है लेकिन भूत से डरना नहीं भूत तो डरते हैं हम लोगों से हाँ भूत से कभी मत डर भूत मनुष्य अस्थियाँ हाँ में जाके डाला, तो कैसे आप लाए फिर दफन हुआ था तो कैसे लाए आप हाँ हाँ ठीक है तो वो वो एक हाँ वो भी एक मान्यता है जब जलाते हैं तो वो चाहते हैं कि सारी चीज़ें शेष हो जाए नष्ट हो जाए तो इसलिए वो अब जो जला वो जल गया जो नहीं जला उसको जल में विसर्जित करते हैं अर्थ उसका मतलब ये लेकिन जो चला गया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई समस्या नहीं है वो चला गया हाँ ऐसे मत सोचना वो तो अपने आगे की यात्रा में है वो भूल गए अभी वो अपना जा रहे हैं खुशी खुशी ठीक है और जब भी कभी आपको मन में ऐसे दुख हो स्मरण आए तो माता जी को ऑफर कर दो बस बस यही कर बहुत बार ऐसे होता है कई बार आप मिलिट्री में ऐसे होता है नहीं कर पाते अभी तो आपने देखा ना वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया तो क्या कर पाए अब वो ले गए जलाने लेकिन वो वास्तव में तो कुछ भी नहीं है ना तो ऐसे बस और क्या चाहिए माता जी को देखना है उनकी ग्रेस परी है वो उनको देखना इतना सरल नहीं है उनकी ग्रेस पर है उनसे पूछिए उनको दिखती है कैसे? <laughs> <laughs> वो जरूरी उतना नहीं है ठीक है आप करिए असल चीज है कि माँ के लिए जीना बहुत से लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने मां को सशरीर देखा श्री अरविंद को सशरीर देखा और बहुत अद्भुत बात है ऐसे देखना दर्शन करना लेकिन असल चीजें अपने आप को बदलना अगर बदले नहीं तो फिर क्या क्या फायदा है आपने सब कुछ किया लेकिन वहीं पर रहे हम लोग बस और क्या चाहिए गुस्सा विनाश का एक शस्त्र है <laughs> गुस्सा विनाश का एक शस्त्र है जहाँ क्रोध आ रहा है गीता में इसकी एक बड़ी सुंदर श्लोक है और वो प्रारंभ इसी से होता है कि क्रोधात भवती सम्मोह जब इंसान के अंदर क्रोध आता है ना तो पूरी तरह वो भ्रमित हो जाता है उसके बाद वो तूफान है उसको दिखाई नहीं दे रहा है सच वो सच और झूठ में भेद नहीं कर पाता वो अपने आप को भूल जाता है कि मैं कौन हूँ क्यों आया हूँ कहाँ पर हूँ और धीरे धीरे उसका विनाश और पतन होता है क्रोध बड़ी भयानक चीज है और जब भी क्रोध का वाइब्रेशन आए समझ लीजिए कि जो विरोधी है उसने बाण ठीक है प्रेम का बाण तो शिव जी पर डाला था लेकिन क्रोध का बाण असुरों पर डलता है तो आप ये समझ करके चलिए क्रोध आ रहा है तो उसको ऐसे दूर अब उसको कैसे दूर करेंगे उस समय अपने मन को किसी और चीज़ में ले जाइए नोटिस करिए कि किन चीज़ों से आपको क्रोध आता है उनसे दूर रहिए अपने अंदर कौन सी अतृप्त कामना है उस पर ध्यान दीजिए कि मुझे ये अतृप्त कामना है जिसके चलते मुझे क्रोध आ रहा है तो उस पर कार्य करिए कि क्या उचित है मेरे अंदर इस तरह की कामनाओं का होना और फिर शांति की स्थापना रोज चलते फिरते शांति 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 हुँ? किसी बच्ची का नाम है शांति हाँ बस बस उन बच्चों को सोचिए और शांति 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 तो एक समय आएगा जब शांति का अंदर में एक स्थान बन जाएगा तब जहाँ शांति होती है वहाँ क्रोध नहीं आता है क्रोध घबरा जाता है कहता है कि यहाँ तो बहुत अच्छा है जैसे कि मछुआरे जो हैं उनको अगर आप फूलों के बीच में ले जाओगे तो उनको नींद नहीं आएगी उनको मछली की गंध चाहिए है ना तो उसी प्रकार से क्रोध को एक प्रकार की गंध चाहिए मनुष्य के अंदर अतृप्ति की भय की की कामनाओं की, तब वो आता है अगर अंदर में शांति है और समर्पण है तो कुछ समय बाद देखता है इस घर में तो मजा नहीं आ रहा मुझे हलवा पूड़ी नहीं मिल रही खाने को तो वो चला जाता है ठीक है एक बच्चे को मार कौन ये मेरी आपकी बहू किसको मारती है हाँ तो बच्चे बड़े हो गए फिर तुम्हें मारेंगे हाँ तो तो नहीं बच्चे कभी नहीं मारना कभी नहीं आप आज मारोगे अभी तो छोटी है सुन लेगी तुम्हारी बात मार रहे हो लेकिन उसके अंदर क्या असर जा रहा है कि मुझे भी मारना चाहिए आपने उसको शिक्षा ये दे दी तो जब बड़े बड़ी होगी बच्ची तो आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे होगे है ना तो बच्ची जब बड़ी होगी तो उस समय वो क्या करेगी वो फिर वापस देगी हिसाब किताब हाँ? उस समय तुम कैसे झेलोगी तो आप सोच लो जो देखो जीवन में एक चीज याद रखना जो पौधा आप आज बो रहे हो ना ये बात कर्म सिद्धांत को हटा दो जो भी पौधा आज बो रहे हो आज नहीं तो कल वो बड़ा होकर आपके सामने आएगा इसको आप ये सृष्टि का नियम है और अगर अपने उससे नहीं आए तो कहीं और से आएगा तो आप उसके रूट में जाइए और बच्चे को समझाना आवश्यक है मारपीट नहीं बिल्कुल नहीं मारपीट वायलेंस वाय। क्रोध एकदम नहीं आना चाहिए डर अपने माता पिता और बच्चे के बीच में बिल्कुल नहीं आना चाहिए किसी भी तरह से नहीं आना अपशब्द एकदम नहीं आने चाहिए ठीक है क्योंकि उसमें आप बच्चे का शुभ चाहते हो माँ से अधिक कौन चाहता है लेकिन इससे तो अशुभ होगा है ना ठीक समझ जाएगी समझदार है बहू आपकी अब तो, तो आप तो सच्ची सास हो समझा रहे हो उसका। <laughs> अच्छा तो ये हमारे गुरुजी की समाधि बनाया हम्म में रखी है। दो दो दो। कोई दिक्कत नहीं है पर अब इसमें यह है कि अब ये पता नहीं कि आपके गुरुजी क्या चाहते थे ये मूल चीज ये है भविष्य में उसने बताया था कभी उसको उसके बारे में बोले मेरे शरीर छोड़ा मैंने तो मेरे को जगह रख के समाधि बना दी बस तो ठीक है फिर तो बिल्कुल सही है और उसके पंद्रह शिष्य थे हाँ पंद्रह इसको बता तो अभी सब पूना में है उसके शिष्य तो हमने एक समाधि बनाया उसका हाँ समा वो तो पिक्चर मैंने देखी है आपकी वो तो वहीं पर है ना आपके गांव वहीं पर है हाँ बनाया। उनके के बनाया। वहीं रहते थे ना आप लोग के गांव लो में ही रहते हमारे पा। अच्छा आपके पास रहते थे, थे अच्छा शरीर भी मेरे घर में छोड़ा उधर आश्रम बनाया था ना तो आश्रम कितनी उम्र थी उनकी बस तो फिर ठीक है आप उसको ये। पहला हमारी था ना। पता है वो मुझे बात हुई थी मेरी पे बात किया था, मेरे पास से बात किया था तो वो हमारे भट्टी समाज थी ना पहला ऐसे जंगल में फिरते थे तो किसी को अच्छी भाषा नहीं आती थी कुछ नहीं आती थी एक वो हमारे गुरु जी जेल में गए थे तो जेल में एक माता जी का उधर एक सरदार सेवा सिंह करके एक शिष्य था माता जी hmm. तो उनसे गुरु जी से हमारी बात होती रहती थी तो, तो पत्र लिखा गुरु जी ने हमारे तो माता जी ने बोला कि तुम्हारी साधना मुझे स्वीकार है और साधना करने की चढ़ कर तो सेवा सिंह ने थे हमारे गुरु जी सरदार सेवा सिंह के तरीके थे दिल्ली की अच्छा आश्रम भी बनाया तो आपके गुरुजी के पास कुछ माताजी के कुछ चीजें या कुछ सिग्नेचर या पत्र कुछ है हाँ नहीं जैसे पत्र हाँ तो पत्र कुछ है आपके पास कुछ कभी कोई कुछ अच्छा एक तो उनको आप संभाल करके रखिए ठीक है हाँ कपड़े पहन देते, देते हैं नहीं ठीक है आपके मन में इतना अच्छा भाव है जरूर रखना चाहिए पर मेन चीज है कि गुरुजी ने आपको मार्ग कौन सा दिखाया माशी अरविंद का बस तो आप माशी अरविंद से जुड़े रहिए बस बस तो बस आप उस चीज को पकड़िए मतलब वो ठीक है आपकी श्रद्धा है भाव है और वो उसका सम्मान है लेकिन जो उन्होंने टीचिंग दी आपको उसको मत छोड़िए तो बस माता जी का मार्ग पकड़े रहिए सपने में जाते का भी का भी तो बोलते हैं कि साधना पक्की करो बस ऐसे बोलता है सपने में कभी तो। बहुत बढ़िया तो आप लोग क्या जब, मतलब कैसे जंगल जंगल में घूमते थे बन भट बं, हाँ, करके बोलते थे भट अच्छा नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए इंसान में आगे हा <laughs> ज्यादा इंसान थे ज्यादा इंसान मत बन जाइएगा

ये, खाना भी ये तो भक्त है पता है मुझे हाँ पर मेन चीज है कि आप माँ का जो मार्ग दिखाया आप उस पर चलिए ईमेल तो किसी के पास नहीं हाँ क्या हो गया इसका छोड़ दिया नहीं तो क्या समस्या है अब बार बार शादी मत करिए तुम सक्षम बनो माँ कौन माँ बोलती है अरे कोई बात नहीं है नहीं बेटे तुम पढ़ी पढ़ाई लिखाई नहीं, नहीं।, पढ़ा लिखा नहीं किया तुमने नहीं। कुछ काम आता है हाथ का या कुछ ऐसे तो उसको बोलो सक्षम बनाओ हाँ एक तो समझदार बच्ची है छोड़ दिया आपने समझ क्या हाँ पर कितनी उम्र है तुम्हारी तो शादी का कब दो शादी कैसे हुई तुम्हारी तो समझदार है <laughs> देवी माँ की प्रेरणा है इसके अंदर <laughs> एकदम अभी मना कर देना अभी तुम पढ़ाई कुछ इसको करने दीजिए काम करने दीजिए थोड़ा बड़ी होने दीजिए देखिए समझ रहा हूं लेकिन आपको चिंता किस बात की है शादी करने से कौन सी चिंता दूर होगी आप बच्ची का क्या चाहते हैं उसकी अच्छा और सुख चाहते।, 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 चाहते तो कैसे मालूम आपको अगर पति अच्छा नहीं है तो फिर असल चीज़ है कि वो आत्मनिर्भर बने ना तब अच्छा है तो वो तो बना दीजिए ना बाद में शादीवादी जो भी है वो पहले आत्मनिर्भर बने जिससे आपको रहे कि कहीं भी जाए बच्ची उसके अंदर ये भाव नहीं हो कि मैं आज अपने माता पिता पे डिपेंड करती थी अभी मेरे पति पर डिपेंड करूंगी तो बच्ची इसने समझदारी का काम किया उसको डांटिएगा नहीं जल्दबाजी नहीं करिए ठीक है हाँ उसको कुछ तुम कुछ करना चाहती हो फिर ऐसे कैसे दूर, करना घर था, थाक। था का काम हाँ शादी की जल्दबाजी दो बार करके अभी पच्चीस साल तक शादीवादी नहीं काम करो सीखो कोई हाथ का हुनर सीखो उसमें डेवलप करो फिर शादी जब होनी होगी हो जाएगी ठीक हाँ। है, क्या है क्या हाँ हाँ माता का नहीं ऐसा कुछ ऐसा 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 माता जी का हर वार है हर समय हर स्थान है <laughs> उनको बुधवार तक सीमित मत करिए <laughs> उनका तो राहु काल शनि काल सब उनके काल है वो महाकाल है महाकाल के भी परे हैं ठीक है ठीक है चला जाए मनोज भाई हाँ हाँ नहीं 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 आप प्लीज ऐसा देखिए हाँ नहीं 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 सब सब के देखिए वो रास्ता ना हाँ हो गया हम लोग की देखिए हम लोग का जो संबंध है प्रेम का संबंध है स्नेह का संबंध वही रहने दीजिए ठीक है हाँ